डॉक्टरिंग स्कूल से सब फिट फिल्टर बता के जाते बात नहीं सब समझ पाओ स्ट्रॉन्ग रोकी ने ग्रीन लाइन येलो लाइन का रेड लाइन भी कार का निष्पादन किया था अपने कर्तव्य के दौरान कुछ कार की क्षमता है शौर्य का प्रदर्शन किया स्ट्रॉन्ग रोकी ने अपने आदमी से संपन्न हुआ स्ट्रॉन्ग रोमियो ने वॉलेट लाइन डेल्टा लाइन कोट थम आगे बढ़ेगा बाय मुड ऑल डॉग हेलो स्वान रोमियो और रॉकी जय समारोह की राजेश कुमार उठा के बैठाना है ना जी। हम लोग के लिए काफ़ी
जो पीड़ा की बेला है, विदाई बेला है, जिसमें आज हमारे इस समारोह में दो जो श्वान साथी थे आज उनका जो सेवानिवृत्त उनको किया गया है। इसके अतिरिक्त में एक और अन्य श्वान साथी है जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं रह सके क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, इसके कारण वो आज इस समारोह में शामिल नहीं हो सके। कुल मिलाकर तीन जो श्वान साथी थे हमारे, आज उनकी सेवानिवृत्ति हुई है, रोमियो, रॉकी और सोनी। सोनी जो है वो जर्मन शेफर्ड ब्रीड का है, 2014 में हमारे दस्ते में शामिल हुआ था और लगभग 9 वर्ष तक यहाँ पर जो देश की सेवा में समर्पित रहा, और अभी उनकी जो तबीयत है वो कुछ ख़राब है जिसके कारण में उनको वेटनरी डॉक्टर के पास भेजा गया है और वो सेवानिवृत्ति के समय आज शामिल नहीं हो सके। उसके अतिरिक्त में जो रोमियो हैं वो एक गोल्डन रिट्रीवर था, लगभग 2013 से हमारे पास में था और यहाँ पर कार्य करते हुए 22 से अधिक पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। और रोमियो एक कॉकस स्पैनियल था जो छोटी भी प्रजाति होती है और उसने 15 पुरस्कार प्राप्त किए हैं यहाँ पर काम करते हुए। ये जो तीनों डॉग्स थे ये स्निफर्स का काम करते हैं बेसिकली, जो एक्सप्लोजिव या कोई अन्य इस प्रकार की जो चीज़ें हो सकती हैं जैसे एंटी सोशल यूज़ कर सकते हैं तो उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तीनों के तीनों स्निफर डॉग थे। इनमें कॉकर स्पेनियल जो था, जो रोमियो था, वो विशेषकर रखा गया था कि जहाँ पर मेट्रो में जहाँ पर सीट इत्यादि हैं या स्टेयर्स इत्यादि के नीचे जहाँ बड़े डॉग्स नहीं जा सकते हैं वहाँ पर जाके कार्य करने में अत्यंत कुशल था। और जो बाकी दोनों गोल्डन रिट्रीवर, ये रॉकी और सोनी जर्मन शेफर्ड था, ये दोनों अच्छे ट्रैकर डॉग्स और ये लंबी डिस्टेंस तक जो कोई भी एक्सप्लोजिव इत्यादि है उनको ट्रैक कर सकते हैं। बताइए, ये भी जाता है कि DMRC के पास सबसे बड़ा डॉग स्क्वाड है, कितने हैं, किस तरीके के हैं और कब से हैं ये बात? निश्चित रूप से हमारे पास में इस समय पे कुल 63 डॉग का हमारे पास में एक डॉग स्क्वाड है। ये जो 63 जो श्वान दस्ता के अंदर में श्वान हैं ये दिल्ली मेट्रो में विभिन्न स्थानों पर तीनों शिफ्ट में सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों कॉल्स आती हैं जिसके अंदर में कोई ना कोई सस्पेक्टेड बैग या कोई अन्य इस प्रकार के जो सस्पेक्टेड आइटम्स होते हैं वो मिलते रहते हैं मेट्रो स्टेशंस पर, तो उनको जो SOP के अनुसार वहाँ पर जाके उसको चेक करने का कार्य रहता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्वान दस्ते की रहती है। और हमें गर्व है कि हमारे साथी जो है इन्होंने अब 9 वर्ष तक देश की सेवा करी है और आज हम लोगों ने अब देख रहे हैं पूरा CSF परिवार जो शोकाकुल है कि हमारे जो साथी जो हैं हमारे बीच में से जा रहे हैं। आज इनको फ्रेंडिकोस नाम की एक संस्था है उसको सुपुर्द किया गया है जहाँ पर इनके जो आगे का भविष्य है उसके बारे में इनका ख्याल रखा जाएगा। और फ्रेंडिकोस के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हों इनको अपने अडॉप्ट करने में, क्योंकि अभी इनके पास ज़्यादा उम्र नहीं बची है, कुछ समय इनके पास में बताया, और फ्रेंडिकोस बहुत ध्यान रखती है। उसके साथ ही बहुत सारे हमारे जो डॉग्स जाते हैं उनको लोग अडॉप्ट कर लेते हैं फ्रेंडिकोस से जाके, तो जो लोग चाहते होंगे क्योंकि ये बहुत ही वेल ट्रेन डॉग्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं और जो भी आपका साथी रहता है उसके साथ में पूरी वफादारी से रहता है।